हेलो, आई एम ज्योति। तो स्टार्ट करते हैं टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोडक्शन, व्हेन टू यूज एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस बता दिया था, लेकिन आज इसमें से कुछ एक्सेप्शन मैं आपको बताऊंगी। यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस में जो डेरिवेटिव सेंटेंसेस, उसके कुछ क्वेश्चन वर्ड होते हैं जो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा सा जो रूल ब्रेक करते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी क्या कॉमन मिस्टेक्स होती है जो हम करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और उसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे एक एक्सरसाइज। तो आइए लेट्स स्टार्ट एक्सेप्शंस। सबसे पहले हु को हम लेते हैं, ठीक है। कमरे में कौन रो रहा था, अब इसमें क्या एक्सेप्शन है। हु क्या होता है, सब्जेक्ट की जगह यूज होता है, यानी कि इसमें जो है हमारा सब्जेक्ट नहीं होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आ जाती है। हु वाज बीटिंग इन द क्लास, मैंने लिखा भी है हु के साथ, और ज्यादातर जो हु होता है वो सिंगुलर ही होता है, तो उसके साथ वाज यूज। कौन रो रहा था, सेंटेंस से पता चल रहा है ना सिंगुलर है, ठीक है। हु वाज बीटिंग इन द रूम, कमरे में कौन रो रहा था, रोने की होती है वीपिंग इन द रूम, और आईएनजी हमने लगा दिया। अब क्या होता है ना, जो हु होता है ना, आप एक तरह से देखिए वो अफर्मेटिव रूल फॉलो कर रहा है। अगर सपोज मैं यहाँ करती कमरे में राम रो रहा था, तो मैं यहाँ हु की जगह क्या लिखती, राम वाज वीपिंग इन द रूम, ठीक है। इसलिए ये अफर्मेटिव और नेगेटिव के रूल फॉलो करते हैं। मैं आपको अभी तक भी बताती आई हूँ, जहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती थी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में, वहां पर ज्यादा आपको सेंटेंस में चेंज दिखता था। अगर मैं राम कर दूं, राम वाज बीपिंग इन द रूम, तो मैंने राम को ही क्या बना लिया है, क्वेश्चन। अब मैंने राम को ही क्वेश्चन वर्ड बना लिया है, तो ऑब्वियसली इस पे सब्जेक्ट नहीं होगा क्योंकि राम सब्जेक्ट था और सब्जेक्ट पर ही मैंने क्वेश्चन पूछ लिया है, तो हु वाज बीपिंग इन द रूम। अभी देखिए आपको नेगेटिव में और भी पता चलेगा, अगर मैं इसको नेगेटिव कर दूं, कौन नहीं रो रहा था, ठीक है, तो हु वाज नॉट बीपिंग। अब आपको भी ध्यान है, मैंने लास्ट वीडियो में स्ट्रक्चर बताया था, उसमें बताया था इंटरोगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है, लेकिन यहाँ तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है, तो जहां पर सब्जेक्ट नहीं होता वहां पर हेल्पिंग वर्ब के बाद ही डायरेक्ट नॉट आ जाता है। यानी कि देखिए हु जो है होता तो इंटरोगेटिव है, लेकिन एक्ट करता है अफर्मेटिव और नेगेटिव की तरह, यानी अगर नहीं है तो नेगेटिव की तरह, वरना सिंपल सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव की तरह। जैसे राम वॉज नॉट बीपिंग इन द रूम, ठीक है, तो मैंने सब्जेक्ट को ही बना लिया है, तो उसमें सब्जेक्ट ही जब हु हो गया, सब्जेक्ट ही क्वेश्चन वर्ड बन गया, तो दोबारा सब्जेक्ट थोड़ी ना होगा। हु वाज नॉट बीपिंग इन द रूम, तो अफर्मेटिव और नेगेटिव का रूल फॉलो करता है, ये इसका एक्सेप्शन। अब बात करते हैं हाउ मेनी, हाउ मच, हूज और विच। ये रूल तो इंटरोगेटिव को ही फॉलो करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन वर्ड में कुछ चेंज होता है, जैसे कि तुम किसकी किताब पढ़ रहे थे, अब इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है, किसकी, ठीक है। लेकिन जो ये हूज विच और हाउ मेनी हाउ मच होते हैं ना, ये कभी अकेले नहीं रहते क्वेश्चन वर्ड, इनके साथ जो भी नाउन या वर्ड लगा होता है ये उसको साथ में लेते हैं, जैसे यानी ये पूरा क्वेश्चन वर्ड है, अब केवल इतना नहीं होता, यानी कि हूज बुक ये हमेशा साथ में आएगा, कभी भी अलग नहीं रहेगा, ये कभी मिस्टेक मत करना, ठीक है। इसलिए मैंने यहां बताया है किसकी किताब इज अ फुल क्वेश्चन वर्ड, ऐसा नहीं करना हूज वर यू रीडिंग बुक, नो कंप्लीटली रॉन्ग, हूज बुक इज अ कंप्लीट क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ड के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और अगर ऑब्जेक्ट है तो वो भी आता, और वर्ब में आईएनजी, तो पूरा रूल वही फॉलो करते हैं, बस इनके क्वेश्चन वर्ड में चेंज होता है। जैसे वह कितने पत्र लिख रहा था, तो हाउ मैनी लेटर्स, यानी कितने पत्र। अच्छा, अब ये हेल्पिंग वर्ब आती है इसके बाद, ठीक है, तो उसमें वाज आएगा या वर आएगा, वाज आएगा या वर, वाज लेटर्स के अकॉर्डिंग नहीं लगेगा, वाज या वर लगता है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। अब मैंने आपको बता दिया वॉज ही राइटिंग, इसमें ही के अकॉर्डिंग वॉज लगेगा, लेटर्स के अकॉर्डिंग मत लगा देना, के? तो हाउ मेनी लेटर्स वॉज ही राइटिंग। अच्छा, इसका नेगेटिव हो जाए तो सेम रूल रहेगा, जहां नॉट का लगता है सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, ये सेम ही फॉलो करता है, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉट
नहीं पढ़ रहे थे, ये सेंस अगर ठीक ना हो, मैं जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। वह कितने पत्र नहीं लिख रहा था, ठीक है, इधर हम नहीं लगा देंगे तो नॉट भी का, हाउ मेनी लेटर वॉज ही नॉट राइटिंग, हो गया सिंपल। अब कॉमन मिस्टेक्स, क्या हमारी कॉमन मिस्टेक्स हो जाती है देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटिव वर्ब में, ठीक है, वी वर लाइकिंग दिस शो। मैंने आपको क्या बताया था, जितनी भी स्टेटिव वर्ब होती है उनके साथ कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं होता, या तो इंडेफिनेट टेंस यूज होता है या फिर परफेक्ट टेंस यूज होता है। अब इसमें लाइक क्या है, लाइकिंग किससे बना है, लाइक, और लाइक क्या है आपकी स्टेटिव वर्ब, तो इसमें हमारा कंटिन्यूअस में हम नहीं बना सकते, इसको हमने बनाया है पास्ट इंडेफिनेट में, वी लाइक दिस शो, ठीक है, ये हमेशा रॉन्ग होगा, कभी भी स्टेटिव वर्ब को कंटिन्यूअस में मत बनाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब में देखते हैं, अच्छा क्या मिस्टेक है इसमें, वी वाज गोइंग टू मार्केट, वी वर गोइंग टू मार्केट, विच वन इज करेक्ट, प्लूरल है बी, और प्लूरल के साथ वाज लगता है या वर, बताया था ना वर, तो दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। शी वाज लाइंग, अच्छा अभी आप स्पेलिंग चेंजेस मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सेकंड वीडियो में आपको बताया है, एक्सेप्शन के बाद सेकंड वीडियो में जो मैंने आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बनाई है उसमें सबसे पहले आपको स्पेलिंग चेंजेस ही बनाया है, तो ये उसी का पार्ट है। अगर आपको स्पेलिंग में अभी भी डाउट लगता है तो आप मेरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सेकंड वीडियो में जाकर देखिए, वहां पर पूरी स्पेलिंग आप रिवाइज कीजिए, वहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। शी वॉज लाइंग, अब लाई की मेन वर्ब क्या है, लाई, ठीक है, लाई, मैंने आपको वहां पर बताया था स्पेलिंग चेंजेस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कि जहां आई ई होता है उसको हम रिमूव कर देते हैं और क्या लगा देते हैं, वाई आई एन जी, जिसमें भी आई ई लगा होता है, और मैंने, ठीक है, ये इसका वर्ड है, तो यानी ये वाला रॉन्ग हो जाएगा और ये वाला राइट। और मैंने इसका और भी एग्जांपल दिया था डाई, डी आई ई, तो उसमें मैंने आई हटा के वाई आई एन जी लगा दिया था, डी वाई आई एन जी, ठीक है। अब चलते हैं इंटरोगेटिव में, कहते हैं व्हेन यू वर गोइंग, आई थिंक इज इट करेक्ट, क्योंकि यू क्या है प्लूरल और उसके साथ वर्ब भी लग रहा है, तो कैसे, इनकरेक्ट। सबसे पहले क्या आती है इंटरोगेटिव में, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, तो व्हेन वर यू गोइंग इज करेक्ट, तो इस तरह से आपकी मिस्टेक्स हो जाती है। चलिए अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस के आपने हर चीज मैंने आपको बता दी है, हर चीज आप पढ़ चुके हो, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर, व्हेन टू यूज, तो अब उसी बेस पर या व्हेन नॉट टू यूज, मैंने ये 8 सेंटेंसेस लिखे हैं और ये आपको पहले खुद ही करेक्ट करें, ठीक है। तो मैं एडवाइस करूंगी पॉज माय वीडियो फॉर 10-15 मिनट्स और इतने टाइम के लिए जितना आप लेना चाहते हो, देन चेक वेदर यू आर एबल टू डू करेक्शन और नॉट। अगर आप करेक्शन नहीं कर पाते हो सही, तो जाकर देखिए पीछे वीडियो में कि मैंने क्या कॉन्सेप्ट बताया है, दोबारा वो कॉन्सेप्ट पढ़िए, दोबारा स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। तो ये अपने आप को चेक करने के लिए कि आप पढ़ चुके हो, आप सीख चुके हो, तो आप कितना सॉल्व कर पाते हो। सो स्टार्ट, पॉज द वीडियो, ओके, देन आई एम टेलिंग यू देयर, यू पॉज द वीडियो, आफ्टर दैट प्ले द वीडियो एंड चेक वेदर यू आर एबल टू करेक्ट दिस सेंटेंसेस और नॉट, ठीक है। सबसे फर्स्ट, वी वर स्टडिंग व्हेन शी वाज कॉलिंग, कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, इंटरप्टेड एक्शन हो रहा है इसमें, जब मैं स्टडी कर रहा था तो उसका कॉल आया, तो उसमें क्या मिस्टेक है बताइए। मैंने आपको जो व्हेन वाला बताया था ना, ठीक है, कंडीशन कह लीजिए, इधर हम यूज करेंगे इंटरप्ट वर्ड, इंटरप्ट हो रहा है कि जब मैं पढ़ रहा था तभी उसका कॉल आया, कभी भी व्हेन के बाद इंडेफिनेट टेंस ही आपने देखा होगा यूज होता है। फ्यूचर में भी मैंने कंडीशनल सेंटेंस बताए थे जिसके बाद आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हो रहा था, और यहाँ पर क्या यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट। इंटरप्टेड एक्शन में दो बार यूज नहीं होता है आईएनजी यानी कंटिन्यूअस, और जब व्हेन लगा होता है कंडीशन, वहां पर हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे, ना कि पास्ट कंटिन्यूअस, तो दिस इज रॉन्ग। इसमें क्या करेक्शन होगा, व्हेन शी कॉल्ड, पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि याद करिए सेकंड फॉर्म, क्योंकि जस्ट इंटरप्ट हुआ एक्शन, उसका कॉल आया मैं जब पढ़ रहा था, ये काम मैं कंटिन्यू कर रही थी, जस्ट इंटरप्ट हो गया मेरा एक्शन। अभी आपको याद आ रहा होगा, फिर मैंने व्हेन टू यूज में एक और बताया था व्हाइल, लेकिन व्हाइल में मैंने दोनों ही लिखे थे क्योंकि वो इंटरप्टेड एक्शन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, मैं दो लोगों का वर्क बता रही हूँ कि एक ये काम कर रहा है जबकि उसी टाइम पर वो ये काम कर रहा है, ठीक है।
ठीक है, तो when और why में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। why लग सकता है, we were studying why she was calling, ठीक है, लेकिन when के साथ नहीं। We were wanting to call you. अब इधर क्या mistake है? Wanting कौन सी verb है? Stative verb. Stative verb के साथ कभी continuous tense use होता है? No. कौन सा? Past indefinite tense use करेंगे. Indefinite या perfect होता है इसमें past indefinite tense use होगा. We wanted to call you. हम तुम्हें call करना चाहते थे. अब third sentence. Was not the teacher teaching grammar? पढ़ा रहे अभी, मैं तो पढ़ा रही हूँ, ठीक है, उसमें क्या मिस्टेक है? सबसे पहले ये सिंगल इंटरोगेटिव है, सिंगल इंटरोगेटिव का रूल क्या होता है? वाज या वर्ड्स इशू होता है, ठीक है, लेकिन अगर उसमें इंटरोगेटिव भी है तो इंटरोगेटिव कहाँ लगता है? सब्जेक्ट के बाद, तो नॉट इधर से हट जाएगा, वाज द टीचर नॉट टीचिंग ग्रामर। ओके, नाउ हाउ मेनी बॉयज वर प्लेइंग नॉट इन द फील्ड? नॉट नेगेटिव है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, कभी भी ये बताया वर्ब के बाद नॉट लगता है, हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगता है ना नॉट, लेकिन आपने एक चीज देख रहे हो उसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, अगर सब्जेक्ट नहीं है, सपोज यहाँ पर सब्जेक्ट होता, अब सब्जेक्ट नहीं है तो हम स्किप कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि नॉट वर्ब के बाद पहुंचाएंगे, सब्जेक्ट नहीं तो स्किप कर दो, फिर जो स्ट्रक्चर में फॉलो हो रहा है वो फॉलो करते जाओ, जैसे कि क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बाद नॉट, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगता है, अगर सब्जेक्ट नहीं है तो डायरेक्ट नॉट आ जाएगा। हाउ मेनी बॉयज वर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड? नेक्स्ट है वर द बॉयज क्लैपिंग? ये तो सही है, इस पे भी मिस्टेक है, ध्यान से देखिए, क्लैपिंग की स्पेलिंग इज रॉन्ग। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सेकंड वीडियो देखिए, अगर आपको स्पेलिंग चेंजेस समझ नहीं आ रहे हैं, आप भूल गए हैं, ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है, पहले ये देखिए, ये क्लैप वर्ब है, इसकी मेन वर्ब, इससे क्लैपिंग बनाना है हमें, तो ये सीबीसी रूल फॉलो कर रहा है, यानी कॉन्सोनेंट वोवल एंड कॉन्सोनेंट, ठीक है, और इसमें क्या होता था, जब कॉन्सोनेंट वोवल होता था डबल हो जाता था, डबल द लास्ट लेटर, तो पी को हमने डबल कर दिया एंड एड आई एन जी, वर द बॉयज क्लैपिंग, क्या बॉयज ताली बजा रहे हैं? आई वर नॉट गोइंग टू स्कूल, ये तो दिख ही रहा है, आई क्या है? सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ यहाँ पर हम यूज करेंगे was. I was not going to school. Whose was book he reading? कितना odd लग रहा है, मैंने क्या बताया था? Whose, which, how many and how much, ये कभी भी अकेले question word नहीं रहते, इनके साथ related noun या word लगता है, तो whose कितनी किताब, किसकी किताब पढ़ रहे हो ये कहना चाह रहे हैं, तो बुक इधर से हट जाएगा और इधर आ जाएगा। नाउ इट इज कंप्लीट क्वेश्चन वर्ड, मैंने आपको एक्सेप्शन में इसी वीडियो में बताया है, नहीं समझ आ रहा तो दोबारा कॉन्सेप्ट जाके देखिए, हूज बुक वॉज, यानी हेल्पिंग वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। अब ही वॉज हैविंग डिनर, अब हैव भी क्या है? स्टैटिव वर्ब, तो ये रॉन्ग है, एक्चुअली इट इज राइट, मैंने आपको हैव का केस भी बताया था कि स्टेटिव वर्ब के साथ वैसे तो कभी कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं होता, लेकिन कहीं कभी कभी जो कोई वर्ब ऐसी होती है जो स्टेटिव की तरह भी बिहेव कर सकती है और डायनेमिक की तरह भी बिहेव कर सकती है, ये आपको सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना, देखिए ही वॉज हैविंग डिनर, वह डिनर कर रहा था, यानी इसमें एक्शन हो रहा है, इसमें हैविंग क्या शो करना है? करना, डूइंग या ईटिंग, इस टाइप से शो कर रहा है, तो इट इज करेक्ट, वी कैन यूज here continuous form with, because have here is not a stative verb, here it is in behaving as a कौन सा? Dynamic verb, तो देखिए थोड़ा confusing होता है, लेकिन आपको sentence के sense से समझना पड़ेगा, कोई भी इसका rule नहीं है। हाँ, अगर मैं ये कहती he was having a car तो ये गलत होता, क्योंकि इसकी state show कर रहा है, इसके पास car है ना, तो car कोई work कर रही, ना ही कोई work कर रहा, तो ये हो गया। मैंने यहाँ एक सेंटेंस लिखा है अफर्मेटिव, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, अब आप लोग केवल अफर्मेटिव अपनी नोटबुक में नोट कीजिए, ये भी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, और उसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव खुद ही बनाइए, ठीक है, मैं यहाँ पर बता रही हूँ, फिर इससे आपका पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा, पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको कितना लर्न हुआ, क्या आप समझ पाए हो, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंने यह अफर्मेटिव बनाया, ही वॉज गोइंग टू स्कूल, अब मुझे इसको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव में आपको पता है जो वॉज या वर्ब जो भी आता है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ मैंने वॉज यूज किया है, तो नेगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, तो ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, ये आप लेकिन फॉर्म कीजिए। अब इसी का सिंगल इंटरोगेटिव बताइए,
क्या वह स्कूल जा रहा है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते सिंगल इंटरोगेटिव वॉज ही और वॉज क्यों लगेगा बार बार मैं कह रही हूँ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है हमेशा वॉज या वॉज ही गोइंग टू स्कूल. अब इसका डबल इंटरोगेटिव मैं यूज करना चाहती हूँ वह कब कब के लिए क्या यूज करते हैं वेन तो वेन के बाद क्या आएगा यहाँ हेल्पिंग वर्ब वॉज ही गोइंग टू स्कूल. देखिए कोई भी चेंज नहीं है बस यहाँ क्वेश्चन वर्ड ऐड हो गया यही मैंने आपको बताया था. तो यहाँ पर हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस फिनिश होता है दोनों वीडियोस में. फर्स्ट वीडियो में आपने स्ट्रक्चर तक पढ़ा था यहाँ तक उससे आगे आपने कर चुके हैं ठीक है. सो इफ यू हैव एनी डाउट राइट अ कमेंट इन माई कमेंट बॉक्स और सेंड अ मेल इन माई आई डी. माई मेल आई डी इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इफ यू लाइक माई वीडियो प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो विल मीट इन नेक्स्ट सेशन with a new tense which is future continuous tense. Till then, bye bye, take care.